हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज, इन फोटोसिंथेसिस हाइड्रोजन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शंस बाय. पूछा गया फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में हाइड्रोजन का ट्रांसफर इनमें से कौन करता है? एनएडी, एडीपी, एटीपी, एनएडीपी प्लस. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लाइट रिएक्शन जो होगा, लाइट रिएक्शन इसमें प्रोड्यूस क्या होता है? एटीपी एंड NADPH ये प्रोड्यूस हो रहा है. और ये जो ATP एंड NADPH जो है ये यूटिलाइज होगा कहाँ पे? डार्क रिएक्शन में. डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर, फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर. और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ प्रोटोन जो है लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में कौन कर रहे हैं, ये जो NADPH प्लस जो है ये. सो NADPH प्लस प्रोटोन लेके अगर हम देखें NADPH बन रहा है, देन NADPH जो है यहाँ यूटिलाइज हो रहा है. यहाँ पे क्या होगा उसका? यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन होगा. इसका ऑक्सीडेशन होके क्या बनेगा? ये जो NADPH है इससे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होके NADPH प्लस प्लस प्रोटोन ऐसे हो रहा है. तो अगर हम देखें प्रोटोन जो ट्रांसफर हुआ यहाँ से यहाँ जो हुआ, ये NADPH प्लस जो है ये इन्वॉल्व है इसमें. तो यहाँ पे अगर हम देखें NAD तो नहीं, एडीपी भी नहीं, एटीपी भी नहीं, एनएडीपी प्लस प्रोटोन का पूछा, हाइड्रोजन का जो पूछा वो. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.